आज चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। आपको बता दें कि इस दौरान सेक्टर 42 में सांप काटने से महिला की मौत का मुद्दा भी जमकर गरमाया, जिस पर कमिश्नर अनंदिता मित्रा ने निगम के MOH को आदेश दिए कि संबंधित वार्ड के पार्कों की मॉनिटरिंग की जाए और जो लोग भी पार्कों के पास रोटी डालते हैं उनके चालान जारी किए जाएं। कमिश्नर ने कहा कि चूहा लोगों द्वारा डाली हुई रोटी को खाने आता है और उसके पीछे सांप आ जाते हैं। वहीं उन्होंने लोगों को चूहों को खाना डालना बंद करने की मांग की, ताकि चूहों की संख्या कम हो सके। तभी हो सकता है जब लोग वहां पे रोटी और खाना डालना बंद करें। MOH साहब, नोट करें, इनके जो पार्क में चूहे हैं वहां पे मॉनिटरिंग की जाए और जितने लोग वहां पे आके रोटी डाल रहे हैं उन सबके चालान किए जाए। ये ही सलूशन है जी, और कोई सलूशन नहीं है जी। क्योंकि लोग आके खाना डालते हैं और खाना डालने के बाद वो खाने के पीछे चूहा आता है, चूहे के पीछे सांप आता है। सो उसी एरिया के रेसिडेंट्स को हमें रोकना पड़ेगा। और मेरी आपसे भी बेनती है, प्लीज अपने रेसिडेंट्स को भी रिक्वेस्ट करिए कि ऐसे हैबिट से वो परहेज करें। वहीं बैठक के बाद आम आदमी पार्टी के पार्षद योगेश ढिंगरा ने कहा कि उनके पार्षदों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उनको जो इनविटेशन कार्ड भेजे जा रहे हैं, उनके वार्ड में कोई कार्यक्रम होता है तो उनका नाम नहीं लिखा जाता, ये सरासर गलत है, जबकि भाजपा के सभी पार्षदों का नाम लिखा जाता है। सर, मेन पॉइंट ये है, जो कार्ड इनविटेशन कार्ड दिया जाता है उसके ऊपर आम आदमी पार्टी के काउंसलर का काम नाम नहीं लिखा जा रहा, बट अगर वही बीजेपी के किसी काउंसलर के वार्ड का काम हो रहा है वहाँ पे जो इनविटेशन आता है वहाँ पे नाम लिखा जाता है। हम यही मांग कर रहे हैं कि अगर जब इनॉग्रेशन जहाँ पे हुआ है तो फिर वो नेम प्लेट पे नाम क्यों लगा रहे हैं, वहाँ से भी हटा दीजिए हमारा, क्योंकि हमने भी अपने जो एरिया के RWs हैं या लोकल जो रेजिडेंट हैं, अब मेरे वार्ड में कोई इवेंट हो रहा है तो मैं अपनी पब्लिक को कैसे इन्वाइट करूँगा। MCC तो सबके लिए है, तो सबको इनको कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, सब लोग आएंगे तो मैं किस बिहाफ में लोगों को वहाँ पे बुला सकता हूँ। इसलिए हमने यही रिक्वेस्ट करी है कि पार्टी लाइन से ऊपर उठ के काम करिए, जो भी एरिया में जहाँ पे भी काम हो रहा है उस काउंसलर का नाम जरूर ऐड करना चाहिए, ताकि वो अपने जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबर्स हैं प्लस जो लोकल रेजिडेंट हैं उनको भी वहाँ पर इन्वाइट कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस पार्षद गुरप्रीत सिंह गोपी ने भी सत्ताधारी पार्टी द्वारा दूसरों के एजेंडे को रोके जाने के आरोप लगाए। कई बार क्या होता है, जो सत्ताधारी पक्ष है, जो उनके लोग हैं उनके लिए ज्यादा सुनवाई होती है, कोई दिल्ली से फोन आते हैं, कहीं MP के फोन आते हैं, लेकिन जो विपक्ष के काउंसलर हैं उनको एजेंडों के लिए उन्हें रुलाया जाता है, उन्हें रुलाया जाता है कि वो कर ले करें। तो वही बात थी, अगर कोई मैंने इनको एक केस था जहाँ 53 सेक्टर की एक बात है कि किसी ने जो ग्रीन बेल्ट उसके अंदर कंक्रीट का ट्रैक डालने की कोशिश की, उसकी जगह को पक्का करने की कोशिश की, उसे लेकर बलविंदर सिंह नाम का व्यक्ति है जो हाईकोर्ट में है, उन्होंने PAL डाली। ऐसे ही अरुण सूर जी थे, उन्होंने 37 के पार्क के अंदर कंक्रीट का सिस्टम बनाने की कोशिश की, तब उसको लेकर PAL डाली। तो उसे लेकर ये ऑर्डर था कि इन जगहों को रोका जाए, इन जगहों के ऊपर स्टे लगाया था कोर्ट ने कि यहाँ आप इस आगे कोई कंक्रीट ना करो या पेवर ब्लॉक का काम ना करो, ना कि पूरे शहर में। उसे लेकर चंडीगढ़ के जो चीफ आर्किटेक्ट है उन्होंने एक रिटर्न दे दिया कि ठीक है जी, कोशिश होगी हम चंडीगढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा पेवर ना लगाए, लेकिन किसी ने भी कहीं ये मैंशन नहीं किया, कोई सेक्टर नहीं, कोई पर्टिकुलर जगह नहीं, यहाँ नहीं हो सकते। लेकिन जिनके पास करने होते हैं उनके भी सेक्शन भी पास कर देते हैं, उनके हर जगह पास होते हैं, फिर ये तो गाँव है जी कॉलोनी, अगर वो गाँव कॉलोनी है तो क्या हर चीज़ भी वहाँ मैंशन नहीं हुई कि चीफ आर्किटेक्ट ने गाँव कॉलोनी का नहीं कहा कि उसने सिर्फ सेक्टर का ही कहा है। वहीं नगर निगम की बैठक के बाद मेयर ने बैठक में पास हुए मुद्दों को लेकर अपनी बात रखी और शहर के हर वार्ड में विकास होने का दावा भी किया। आज जो एजेंडे पास हुए हैं वो वैसे सारे डेवलपमेंट के एजेंडे से, जिमें कॉमेडी सेंटर है जो हमारी डिसेबिलिटी है उन्होंने असं की स्ट्रक्चर बना सकते हैं, वो सके 34 का प्रेमलता जो वार्ड का टैरस लगाता सगा, बापू धाम कलोनी सूरज पाइपलाइन का पैंता सगा, किशनगढ़ जो ट्यूबवैल तो जो पाइपलाइन पानी है वो सगा, तो मतलब मेन मेन सारे डेवलपमेंट के एजेंडे से, जिमें बाई दे पार्क का भी एक मुद्दा सी जरा सेंसरी पार्क बनाता सी जो सारे पास हो। मैडम, आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया और कांग्रेस ने भी कि भेदभाव का रवैया जड़ा है BJP अपना रही है, साढ़े कार्डा के उत्ते साढ़े पार्षद का नाम नहीं है। इन्हों ने जो मतलब मेन ने अपने
ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਐਂਡ ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਐਡਮਿਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੌਰਵ ਜੋਸ਼ੀ ਅਨੂਪ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਮੇਨ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨੇਮ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਖਵਾ ਦੂੰਗੀ ਇੱਕ ਆਨੰਦੀ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾ ਮੈਡਮ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰਿਬਨ ਕੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਟੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੱਲ੍ਹ ਐਫਰੈਂਸ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਨਲ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਣ ਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਚਾਹੀਏ ਨਾ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈਗਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਐਫਰੈਂਸ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅੰਜੂ ਕਤਿਆਲ ਜੀ ਦੇ ਸੀਗਾ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਦੇਖੋ ਏਜੰਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਮੇਅਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰੇਕ ਵਾਰਡ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। गौर हो कि आज हुई चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई तो कई एजेंडों को भी पास किया गया। वहीं मेयर ने शहर के हर वार्ड में विकास होने का दावा भी किया। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।